आज मैं बना रही हूँ रात की रोटी से बची रोटियों से सुबह का नाश्ता। तो देखिए यहाँ मेरी 3.5 रोटियाँ बची हुई है, 1, 2, 3 और ये 3.5 रोटियाँ हैं। तो इन्हें पहले 2 भागों में तोड़ लेंगे, 4 भागों में तोड़ेंगे और उन्हें 2 भागों में डिवाइड करने के बाद उन्हें बारीक कुश करके इसका बारीक चूरा बना लेंगे। ये 5 मिनट में ही काम हो जाएगा। तो देखिए इसे मैं टुकड़ों में तोड़ कर कुश करके चूर रही हूँ, इसका चूरा तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ दूसरा सामान लगने वाला देखेंगे। तो यहाँ मैंने बारीक कटी प्याज ली है, बारीक कटी हरी मिर्च ली है और कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं, धनिया पत्ती ली है थोड़ी सी और 4-5 लहसुन की कलियों को भी बारीक बारीक कट कर लिया है, वो लिए हैं। तो इसके साथ ही अब हमें मूंगफली के बीजे लगेंगे। तो यहाँ मैं कढ़ाई में मूंगफली के बीजों को ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इसे कम धीमी आंच पर ही हमें ड्राई रोस्ट करना है चलाते हुए। और ये मूंगफली के बीजे भून गए थे मेरे, तो इसे मैंने एक प्लेट में निकाल के देखिए इसके छिलके निकाल लिए हैं और इन्हें अलग छिलकों को अलग कर लिया है। अब हम कढ़ाई लेंगे फिर से, उसी कढ़ाई में हमने डाला है तेल। तेल को हम पूरी चारों तरफ फैला लेंगे और तेल गर्म होने के बाद उसमें हमने डाला है राई, और राई को अच्छी तरह चटकने देंगे। राई चटक गई हमारी तो साथ में डालेंगे जीरे। राई जीरे के बाद इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च। हरी मिर्च को अच्छी तरह फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ते। कड़ी पत्तों के बाद इसमें डालेंगे प्याज, और प्याज के बाद मैंने इसमें लहसुन भी डाल लिया है और इसको हम चलाएंगे। ये अच्छी तरह भून चुका है देखिए। अब इसमें जो हमने मूंगफली के बीजे छील के रखे हैं वो डालेंगे हम, उसे मैंने डाल लिया है। अब इसमें डालेंगे हम स्वादानुसार नमक, 1/4 मिर्ची पाउडर, 1/4 हल्दी पाउडर। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे चलाते हुए। ये मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हमने जो रोटियों का चूरा बना के रखा है उसे डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। तो ये देखिए पूरी तरह मिक्स हो चुका है। और ये इसमें मैंने लास्ट में थोड़ा स्वाद बढ़ाने के लिए चाट मसाला भी डाला था, तो इससे थोड़ा चटपटा स्वाद आता है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। और बची हुई अब इसमें हरी पत्ती भी मैंने, धनिया की हरी पत्ती भी मैंने डाल ली है। और ये बनकर तैयार है हमारे आज की रेसिपी, रोटी के बची हुई रोटी के पोहे। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, जी कमेंट कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।